हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो रीट लेवल सेकंड को लेकर हम कुछ स्टूडियो में महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो क्या ये चर्चा कट ऑफ के बारे में होगी दोस्तों, और साथ ही साथ होगी याचिका पर जो कि कमलेश कुमार मीणा ने लगाई है, उसके बारे में जो भी आपका डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आ रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपका कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, फटाफट चलते हैं, अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं पहली बात कि कट ऑफ है वह 30 अगस्त के बाद भी आ सकती है और 30 अगस्त के पहले भी आ सकती है। लेकिन दोस्तों, उपेन यादव जी ने बताया है कि 29 या 30 अगस्त को आ जाएगी। उपेन यादव के अनुसार 30 या 29 या 30 को आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं तो 1 सितंबर तक आप पक्का ही समझिए कि आपकी कट ऑफ आ ही जाएगी। 1 सितंबर तक पक्का है, लेकिन उपेन यादव जी कह रहे हैं कि 29 या 30 को आ जाएगी। और दोस्तों, अभी वर्तमान में चल रहा है छटनी का कार्य। जो भी जिसने डबल फॉर्म भर दिया है उनको छाट रहा है, अलग किया जा रहा है, छटनी का कार्य चल रहा है। तो ये लगभग कल या परसों तक पूरा हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों, बात रही कट ऑफ की, तो कट ऑफ का भी कार्य चल रहा है, वो भी कुछ कट ऑफ का कार्य भी चल रहा है। तो कट ऑफ भी आपको मैं बता दूं तो 29 या 30 को अनित्य है, वरना दोस्तों 29-30 को नहीं आती तो 1 सितंबर तक तो पक्का ही आनी है। अब बात रही कट ऑफ आ गई तो कमलेश कुमार मीणा की याचिका क्या होगा। दोस्तों, कमलेश कुमार मीणा की याचिका का कुछ नहीं होने वाला है। आप मत सोचिए कि फर्सी रद्द होने वाली, ऐसा मत सोचिए। कमलेश कुमार मीणा की याचिका है, उसको खारिज किया जाएगा। जैसा कि उपेन यादव जी बता चुके हैं कि कमलेश कुमार मीणा की याचिका से आप बिल्कुल भी मत घबराए, बेरोजगारों को कहा है कि आप बिल्कुल भी मत घबराए, कमलेश कुमार मीणा की याचिका खारिज की जाएगी। तो दोस्तों, मैं भी कह रहा हूँ कि कमलेश कुमार मीणा की याचिका खारिज की जाएगी और वह डबल मेंस पर लगाई है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उसका, क्योंकि वह दोस्तों अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है कि वह फेल हो चुका है और अब भर्ती रद्द कराना चाहता है ताकि सभी का रिजल्ट ख़राब हो जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं तो कमलेश कुमार मीणा की याचिका ही खारिज होनी है। तो भले ही कैसे भी सबूत लाए कमलेश कुमार मीणा, तो भी उसकी याचिका खारिज ही होगी। और दोस्तों, बात की जाए पिछली बार की तरह, तो पिछली बार कुछ नहीं कर सका था कमलेश कुमार मीणा, एक भी दिन उसने कोई सबूत ना जुटा पाया था और सब दिन उसने ऐसा ही कहा था कि अगली डेट चाहिए, और इसी वजह से वो केस आ रहा था। और अब की बार भी यही होगा और केस वह हारेगा और हमारी जीत होगी। और जहाँ तक मैं बात करूँ कट ऑफ की, तो दोस्तों कट ऑफ 29-30 को आने वाली है। और इस भर्ती रद्द को लेकर तो आप बिल्कुल ही मत सोचिए कि भर्ती रद्द होगी, भर्ती बिल्कुल भी रद्द नहीं होनी है। 1% भी चांस नहीं है दोस्तों, 100% यही चांस है कि भर्ती पूरी होगी। इसको कोई भी ताकत अब नहीं रोक सकती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सब कार्य पूर्ण हो चुका है और अब मात्र कट ऑफ आनी बाकी रही है। दोस्तों, कट ऑफ आ जाएगी और फिर पदस्थापन हो जाएगा सितंबर में। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दी, और यदि कोई जानकारी रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम आपको वो भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, धन्यवाद। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।